हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, सो सॉरी, इस टाइम पे मुझे पता है मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे, एक दिन छोड़ एक दिन व्लॉगिंग हो रही है इस टाइम पे। एंड क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है व्लॉगिंग करने का, एंड ऑल्सो बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मन भी नहीं होता है व्लॉग करने का। बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरा चैनल है एंड इट इज़ नॉट ओके। और ये दो दिन से एक्चुअली मेरी आँख में प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी आँख पूरी रेड थी और बहुत ही ज़्यादा चिपक रही थी। तो कल अभी दिखा के आए हम लोग डॉक्टर्स को, अभी आप देखो अभी भी रेड है ये आई, अगर आपको दिख रहा हो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाल है। दो दिन से मैं बहुत ज़्यादा अपनी आई को लेकर के परेशान थी, इसलिए ना मैंने सचिप्रा के लिए कोई वीडियो शूट किया, ना मैंने प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे के लिए कोई वीडियो शूट किया। ओके, आज के ब्लॉग की बात करूँ, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी ईद बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल है राखी, तो राखी का ब्लॉग, चूँकि राखी है तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, राखी का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और ये ब्लॉग भी मुझे अपलोड करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि कल राखी है और भी टाइम नहीं मिल पाता है गाइस एडिटिंग वगैरह करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम, हम लोग काफ़ी और अलग चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो अभी आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था ना, मैंने मेहंदी लगाई थी, वो मेहंदी लगाए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए, मेरी मेहंदी छूट भी गई है। तो गाइज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, ये राखी ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो मेरा जो दूसरा चैनल है सचिप्रा पांडे, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड गाइज आई थिंक इस ब्लॉग के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ क्या प्रॉब्लम, रीज़न क्या है हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स का। फाइनली सचिप्रा पांडे पे मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मेकअप का, बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर मेकअप, आई थिंक नहीं पार्टी नहीं, वो है फेयरवेल मेकअप ट्यूटोरियल है, श्रद्धा के ऊपर मैंने किया था। उसके बाद सारी ड्रेपिंग का भी वीडियो आएगा, सो वो वाला मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जैसे कि आप बाकी के लोगों को प्यार देते हैं। एंड आई रियली नीड यू। और बाकी की बातें मैं उस अलग से वीडियो में करूँगी। तो चलिए अब आप लोगों को मिलवा देती हूँ राम से। हाय गाइस, कैसे हो? तुम्हारी आईज में मेरा डिफरेंस क्यों दिख रहा है मेरे को? ये तुम्हारी आँख लाल लाल दिख रही है, इसकी भी आँख मुझे लाल लाल दिख रही है। देखिए आप ये वाली आँख, इसकी हल्की सी रेड और छोटी दिख रही है, पता नहीं क्यों। दिखाओ बाबू क्या देख रहे हो? छोटा भीम देख रहे हो? मामा। हाँ बेटा। तेज को दिया। धीमा क्यों? ये तेज को धीमा बोलता है, धीमा को तेज बोलता है। धीमा इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो बना रहे हैं ना यहाँ पे, आप लोग सबसे आपको बात नहीं करनी सबसे? क्यों नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी? अभी कर देंगे, धीमा कर दे मतलब तेज कर दो, उल्टा बोलता है ये। धीमा। हाँ अभी कर देंगे। कर देंगे। I love you. Hug you. Hug you? Hug you? Hug you, nahi, I love you. I love you. Bolo, I love you too. I love you too. Mwah. 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 Mera bachcha. Mera bachcha. Arre kya tum meri mamma? Meri mamma. Aaja aapko laddu khilate hain. Laddu khana hai? Laddu main jana hai. Arre kha lo laddu. Dekho bhim se niche to bhim laddu chala tha, meri laddu se. Aaja bhim laddu kha raha hai to Ram bhaiya bhi laddu khayega. Hain? खाओगे लड्डू? बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है गाइस, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आज, बहुत गर्मी भी हो रही है। सोच रही हूँ कि राम को लड्डू दे देती हूँ, और छोटा भीम लड्डू खाने लगे तो उनका भी मन करता है अब लड्डू खाने का। ये रहा लड्डू, अब देखिएगा राम के रिएक्शन। हाँ इधर आओ, अभी अभी तेज कर देंगे, लो तुम लड्डू खा लो अपना। देखो छोटा भीम जैसे लड्डू खाता है, अभी लड्डू खाओ। वो उतनी देर से शिकायत कर रहा है कि मेरा धीमा क्यों कर दिया। इधर आओ, इधर धीमा कर दो। अभी धीमा कर देंगे मतलब तेज कर दो, अभी करते हैं। तुम्हारा उल्टा ही चलता है सब, हैं क्यों उल्टे पैदा हुए थे क्या? वैसे भी ये मम्मा के पेट में अपने उल्टे ही थे तो इनकी सारी हरकतें उल्टी ही रहती हैं। पहले पहले सब्सक्राइबर आपके लिए लड्डू खा लो, थोड़ी सी लड्डू खा लो। छिला दिया कैमरे में, मैं खाऊंगी। गुड मॉर्निंग सब, हैप्पी राखी टू यू ऑल गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। एंड बाबू आप भी बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। सबको बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। अरे कह रहा है सारे बंदर, सारे अंडर, सारे बंदर भैया। गंदी बात? अच्छा आप बोलो तो सब ठीक है, हम बोले तो गंदी बात। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज है रक्षाबंधन और
पापा लेटते हैं, ये बीच में घुस के राम भैया लेटते हैं। क्यों राम भैया? यहाँ पे ऐसे मम्मा होते हैं, पापा होते हैं, राम भैया ऐसे बीच में घुसे होते हैं। यहाँ पे लेटोगे, बीच में ही लेटोगे? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर आपको घुस लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी मेरा सारा काम हो गया है क्लीनिंग का। अभी खाना वगैरह तो जब सारी पूजा हो जाएगी, राखी हो जाएगी, तभी होगा। तो मैं जा रही थी क्लीनिंग करने, और यहाँ पे मेरे को पूरा साफ करना धुलना, क्योंकि कल रात में हुई थी बारिश, तो बारिश की वजह से यहाँ पे देखो अब काफ़ी सारा मिट्टी वगैरह है, इधर पर भी काफ़ी मिट्टी हो गया है। तो इसको सारे को क्लीन करने के लिए मेरे को धुलना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ धुलने। और उसमें भी राम भैया क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर रखा हुआ पानी साफ करने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐ देखिए, अरे अरे अरे, कमरे में कहाँ आ रहे हो? ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये क्यों, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम? मैं पानी फेंक रहा हूँ। क्यों पानी फेंक रहे हो? और तुम काम बढ़ा दो मेरे लिए। ये देखो, ये इनको पानी फेंकने का शौक चढ़ा हुआ है। तो ये सब कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मेरे को काम करने आया है। और इन लोगों को ये नहीं है कि आज राखी है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। देखो इनको, ये वो नहला रहा है और ये नहा रही है। मुझे काम ही नहीं करने दे रहा है यार। आप लोग देखो, देखो इनको, देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये लोग बार बार पानी करे। मेरा वहां तक साफ हुआ, ये लोग यहाँ पे फिर से पानी कर दिए। क्यों इन सब में तुमको बहुत मजा आती है? बहुत मजा आ रही है इन सब में तुमको? गुंडाई नहीं तुम, ज्यादा गुंडाई नहीं। चलो निकलो अब यहाँ से। हाँ निकाल रहे हैं। क्यों, तो तुम्हारी गुंडाई चलेगी, तेरी गुंडाई चलेगी। बारिश कहाँ हो रही है? बारिश कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही बारिश है? जाओ हन्नू करके आओ। चलो, इनको अभी जाने का मूड नहीं है। मैं राखी बांधने के लिए, तो मैं हर साल कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको राखी बांधूंगी। और तब तक बगल में एक छोटी सिस्टर, मतलब छोटी सी एक बच्ची रहती है, सो वो आएगी राम को राखी बांधने के लिए। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से, कान्हा जी का कर लेती हूँ। और आज चूँकि राखी है, तो आज पाव भाजी बनाई है मैंने, सबका मन था पाव भाजी खाने का, तो वो। और शायद शाम को देखते हैं अगर कुछ बनता है तो। राम भैया भी आ गए, देखो राम भैया आ गए। राम भैया, राम भैया ने पूजा कर लिया? पूजा कर लिया? पापा ने मोबाइल छू लिया। पापा ने मोबाइल छू लिया है? मोबाइल छू लिया। अच्छा ठीक है। सो अभी राम भी तैयार हो जाओ, चलो जल्दी से, दीदी आने वाली है ना राखी करने के लिए। तो चलिए जल्दी से इनको भी तैयार कर देते हैं, और कान्हा जी को राखी बांध देते हैं, और इसकी राखी हो जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और पाव भाजी, पाव भाजी की रेसिपी इससे पहले मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो मैं आज पाव भाजी की रेसिपी नहीं शेयर करूंगी। एंड देखते हैं ये ब्लॉग कहाँ तक रहता है, राखी वगैरह तक तो रहेगा कंटिन्यू। और मेरा भाई के पास मैं, मतलब वो तीन बार से हो रहा है कि मैं राखी पर नहीं हूँ अपने घर पे, अपने भाई को मैं राखी नहीं बांध पाती। इस बार मैंने उसको ऑनलाइन राखी भेज दी थी, तो मेरी सिस्टर ने उसको बांध दी है। और हो जा रहा है दो तीन बार से कि मैं राखी पर नहीं पहुँच पा रही हूँ घर, और मैं उसको राखी नहीं बांध पा रही हूँ। बट इट्स ओके, जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आपके मन से हर चीज़ नहीं होती है, बट इट्स ओके। तो चलिए मूड ख़राब नहीं करते, मेरे अगर मेरा वो भाई नहीं तो मेरे कान्हा जी हैं मेरे पास, तो मैं उनको तब तक राखी बांध देती हूँ। और या तो आइए, और मैं ना उनके लिए रक्षा की राखी बांधती हूँ, मतलब मैं ऐसे आर्टिफिशियल राखी, मैं बाहर से कोई राखी खरीदती नहीं, मैं बस रक्षा की राखी उनको बांध देती हूँ। तो चलिए जल्दी से बांध। सो गाइज, ये हैं मेरे कान्हा जी, जिनको मैं रक्षा का इस तरह से राखी बना करके चढ़ा देती हूँ। जो मेरे पिछले साल की राखी है उसको हटा देती हूँ। तो कान्हा जी को, गणपति को, शिव जी को, मैं तीनों को राखी इस तरह से चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब राम की भी राखी की ताली तैयार हो चुकी है। जैसे कि मैंने बोला, वो बगल में एक बच्ची है छोटी सी, वो आती है उसको राखी बांधने के लिए।
तो यहाँ पर वो उसको अच्छे से टीका लगा रही है और राम इतना खुश था। और ये वीडियो को इसके पर्टिकुलर राखी के वीडियो को वो इतना देखता है और दीदी इनको दीदी बोलता है, श्रद्धा नाम है इसका भी। और जब भी बात करेगा तो बोलेगा दीदी को दिखाओ। हम बोलेंगे नहीं दीदी क्या नहीं जाना, तो बोलेगा ठीक है दीदी का वीडियो दिखाओ। वो इतना खुश था, इतना उसने इंजॉय किया राखी में। फिर उसने और उसकी सिस्टर ने इसी ने खूब सारा डांस भी किया, खूब खेले भी और काफ़ी इंजॉय करता है वो इनका साथ। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो बच्चे को मेरे कंपनी भी मिल जाती है और अच्छा प्यार भी मिल जाता है। अभी वो देखो उससे बातें कर रहा है कि मेरे को केक खिला, उसको खास राम को केक पसंद है तो उसने केक भी बनाया था उसके लिए। एंड शी इज़ रियली काइंड हार्ट, उनके पूरा फैमिली बहुत अच्छा है, उनके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो राम चूँकि उसकी कोई सिस्टर नहीं है राम की, तो इसलिए उन्होंने बोला मैं राखी बंधवा देंगे हम इससे। और ये देखिए केक वगैरह है, मिठाइयाँ हैं और राम के तो जलवे ही थे क्योंकि राम को तो मीठा बहुत पसंद है। और ये उसकी हनुमान जी वाली राखी थी, उसको बहुत पसंद आई। अब देखना कितने चाव से खाएगा वो केक, ये देखिए कितने चाव से खाया। उसने कहा दोबारा खाना है, हाँ खाना है। फिर बोले टेस्टी है, हाँ टेस्टी है। और फिर पूरा उसने पूरा अच्छे से राखी इंजॉय किया। और मैं भी मिस तो कर ही रही थी अपने भाई को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो कान्हा जी को राखी बांध लिया तो मेरा मन हल्का हो गया। और आप लोगों को बहुत मैस भी लग रहा होगा क्योंकि कोई काम नहीं हुआ था। मैंने कहा पहले ये घर का काम निपटा लो, राखी का एक बार निपट जाए उसके बाद में सारा काम होता रहेगा। फिर ये केक श्रद्धा ने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था गाइज। अगर वो अब बनाएगी ओरियो केक है ये, तो मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज गुड इवनिंग, एंड शाम हो चुकी है। आज का डिनर में रात में बना था दाल रोटी सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी बनी थी, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वो खाने का। तो मैंने अपने लिए स्पेशली क्या बनाया मैं आपको बता देती हूँ। मेरा बहुत टाइम से खाने का मन हो रहा था ये, सो मैंने बनाया होममेड पिज़्ज़ा। सो ये जो रोटियाँ मैंने बनाई थी मेरे हिस्से की, तो तीन रोटियों में मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च और उसके ऊपर नीचे केचप लगाया, ऊपर से मैंने चीज़ मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। सो मैं बना रही मेरे लिए पिज़्ज़ा, मेरा बहुत ज़्यादा मन था खाने का, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मन था। सो आज खा लेते हैं आज डिनर में हमारे ये वेज पिज़्ज़ा। क्योंकि मेरे पास बेस नहीं था पिज़्ज़ा का तो मैंने रोटियों के ऊपर बना दिया, ब्रेड रखी थी बट मुझे लगा था मैं ब्रेड में बना दूँगी तो फिर मेरा रोटियाँ वेस्ट हो जाएंगी। और मैं बिल्कुल भी वेस्टेज पसंद नहीं करती क्योंकि बहुत मेहनत से आती है हर एक चीज़। सो चलिए इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये तवे में मेरा पिज़्ज़ा पक रहा है, सो इसको बना लेते हैं। फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है एंड टेस्ट में इतना यम्मी होता है गाइज। अगर आपका कभी कुछ डिनर करने का मन नहीं है, लंच करने का मन नहीं है, आप इसको बनाओ, ये बहुत टेस्टी लगता है। और चीज़ है इसमें, मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए, क्योंकि मेरे पास उसके जो हर्ब्स होते हैं पिज़्ज़ा सॉस वो सब नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे मिसमैच करके देसी पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं वो बनाया है। तो चलिए